हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एक न्यू व्लॉग। तो ये है तीज का व्लॉग। तीज के व्लॉग पे हम जगह जगह घूमे हैं, झूले झूले हैं, एंजॉय किया है, खेतों में घूमे हैं, निदान भी किया है और लोगों से मिले भी हैं। तो अभी हम जा रहे हैं भाई के वहाँ पर झूला मांडा हुआ है, जो कि आपको आगे बताएंगे। उससे पहले बीच में रास्ते में मेरे पापा मिल गए, मतलब कप्पू के दादाजी यहाँ पर खेत में निदान कर रहे थे। तो कप्पू बोला मैं भी निदान करूँगा, तो उनके पास गया। और घर मेरे को तो पता ही नहीं है किधर है, उधर है। ओ ओ भाई, ओ किधर है घर, जल्दी चल मेरे को दिखा। अम्मे कर। तो कप्पू के दादाजी ने ऐसे सिखाया कि ऐसे आपको निदान करना है। अब देखते हैं कि कप्पू फसल की सफाई करता है या खेत की सफाई कर देता है। तो यहाँ पर इसने कोशिश की, लेकिन काई जो है मिट्टी में फंस गई। फिर इसके दादाजी ने थोड़ी खाली करके साफ करके दी, दोबारा फिर से फंस गई। मतलब कि हजार कोशिश करने के बावजूद भी कप्पू से निदान तो हुआ नहीं, लेकिन इसको पता ही नहीं था निदान क्या करना है। इसको तो लगा कि इससे ऐसे खड्डा खोदना होता है, मिट्टी से खेलना होता है और बस ये निदान हो गया। लेकिन ये निदान नहीं होते मेरे बच्चा, निदान दूसरा होता है। अभी मैं सिखाऊंगी तेरे को, तब पता चलेगा। जब मैंने सिखाया तब इसने क्या क्या, वो भी आगे देखना। दूर फंस गई माँ, दूर छोड़ना आइयो। ले निदान करते हैं, ऐसे खड़ है ना, वो ऐसे उखेड़ते हैं, ऐसे ऐसे औखड़ उखेड़ियो। औखड़ नहीं है, औखड़ नहीं है, ये वाला हाँ, ये वाला खड़ है। ये तो गवार है, ये तो गवार है। गवार तोड़ते नहीं है, नहीं फिर तोड़ी। ये निदान हो गया, ये निदान हो गया, ये देखो अब तू का, ये देखा, ये तो मिट्टी है। ओ करने वाला काई दादन के काई दो निदान करो। कहाँ जा रहे हो? झूला झूलने, झूला झूलने जा रहा है। कपूर डल लागे, डल लागे, बोलो बुआ डल लागे, बोलो। ये बोल रहा है मेरे को डर लग रहा है। धीरे 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 कौन डर लग गया तेरे को? तो भाई हमारा ये झूला पिछली तीज यानी कि सावन की तीज का मांडा हुआ है और अभी तक इसको बांधा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ गांव में ये तीज होती नहीं है, इसलिए हमने कहीं और तीज मनाने का सोचा। लेकिन पहले यहाँ पर अच्छे से झूला एंजॉय कर लेते हैं। तो ये मेरे भाई ने, वो कहते हैं ना ऊब चाड़ी, ऐसे हम भी चाड़ते थे पहले बचपन में। लेकिन अब मुझे भरोसा था कि मैं इस तरह झूला नहीं ले पाऊंगी, तो मैंने तो ये रिस्क ली नहीं। अब देखते हैं तेजस कितना डरता है और कितना झूला एंजॉय कर पाता है। अब तीज मनाने और सबके साथ झूला झूलने के लिए हमने यहाँ से 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र किया, और जहाँ पर झूलों की हमें उम्मीद थी हम वहाँ जा पहुँचे। अब देखते हैं कि वहाँ पर झूले मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। लेकिन ये वाले पहले नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि यहाँ भीड़ कम है ना, तो यहाँ पर हम अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। वो उधर गुस्से में खड़ा है कि झूला मेरा लिया क्यों है। आप इसकी आँखें देखो, कपू इधर देखना, कपू इधर देखना, ये आंसू कैसे आए? वाणी खेती करो, वाणी यहाँ फसल तोड़ रही है, और वाणी के पीछे वाणी का भाई झूला झूल रहा है। अब वो घर जाने का नाम नहीं ले रहा, हम गलती से उसको यहाँ ले आए हैं। कपू घर चले ना, क्यों झूला तो पूरे दिन कौन झूलता है? फिर दूल्हा दूल्हा पहले नाटक रहा हमें आयो। पैर ऐसे रखो, ऐसे रखो, अब हम लेंगे झूलो। लेकिन झूलो घूम गयो तो अंदर डर लगे। मैं तो झूलो पकड़, ओ नहीं पकड़, आज बागों में झूला झूलो। गाड़ी झूठे को गाड़ी दबूर नहीं, सीधा दबूर में
इधर दे, मैं सही पकड़ा, मैं सही पकड़ा। आप शाम को वापस आएंगे, अभी धूप आ गई। हम शाम को वापस आएंगे, अभी धूप आ गई। जैसे तैसे कप्पू को मना के घर लाए, फिर कप्पू का ये सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्स किया। और हाँ, इसका शॉर्ट वीडियो भी आ जाएगा, डोंट वरी, पूरी डिटेल के साथ। और फिर हमने खेतों में से थोड़े से ये निकाले, इससे हमने क्या बनाया है वो तो आपके शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हमने जितने प्रकार के यहाँ पर पौधे थे सबकी कॉम्पलें, या इसको क्या कहेंगे, इनकी पंखुड़ियाँ नहीं, मतलब जो भी है, ये हमने फूल वगैरह निकाल लिए। तो हम यहाँ से निकल लिए हैं और हम अब झूला झूलेंगे दूसरे गांव, मतलब तीसरे ही गांव जाएंगे। उससे पहले हमें बाड़मेर जाना है। हम बाड़मेर चले जाते हैं, दिव्या, कप्पू, मैं और तेजस। यहाँ हमें टेम्पो मिल जाएगा, उसमें हमने चले गए, फिर आगे जाके बस पकड़ ली, फिर हम बाड़मेर पहुँच गए। और बाड़मेर आके हमने सातू बनाए, इनको डेकोरेट किया और वीडियो बनाया। इसके बाद हम चल लिए उस जगह, उस गाँव जहाँ पर हमें झूले मंडने की पूरी उम्मीद थी। तो इन्होंने बोला, मतलब मेरे जान पहचान वालों ने, कि हमारे गाँव में तो झूले लगेंगे ही लगेंगे। और इस बार दो तीज के हिसाब से हमें दोनों जगह का फायदा उठाना था, मतलब कुछ लोगों ने दो चीजें मनाई थी, ये पहले दिन और दूसरे दिन। तो हम निकल पड़े हैं और हमने ये सोचा, हम 5 बजे लगभग निकल गए। अब हुआ कुछ यूं था कि जैसे हमारे गांव में सावन की दोनों ही तीजें मनाते हैं, लेकिन ये भाद्रपद की तीज नहीं मनाते। सावन की भी कहीं पर पहली वाली मनाते हैं, कहीं पर दूसरी वाली मनाते हैं, और भाद्रपद वाली तो हमारे आसपास के गांवों में कहीं पर भी इसको कोई भाव नहीं देता है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में, मतलब पूरे इंडिया में मनाई जाती है। ये एक कोइंसिडेंस के नहीं कह सकते, या जी मतलब अलग सी बात है। तो फिर हमने यहाँ आने का सोचा, हमने सोचा क्या पता यहाँ इनके तो तीज मनाते होंगे, और सच में मनाते हैं, क्योंकि इनके साथ वाले जो शहर में रह रहे हैं उन्होंने सत्तू भी बनाए और उन्होंने व्रत भी रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर भी चल रही हैं, और ये लोकेशन बड़ी अच्छी है, मतलब कि आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर हरियाली अभी शुरू होने वाली है, हुई नहीं है, पहाड़ों के बीच, धोरों के बीच। ये देख उधर, देखते पर ये इतनी इतनी बच्ची लगी है, छोटी छोटी। तो चलो आपको इस टूटे फूटे पहाड़ के पीछे कुछ दिखाती हूँ, जो कि इस पहाड़ के पीछे छुपके बैठे हैं। मुझे तो लगा मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगी, लेकिन सूरज देवता भी इसी जगह यहीं छिपके बैठे हैं। हमने इनको भी ढूंढ लिया है, लेकिन अभी इनकी धूप थोड़ी तेज़ है, इनके सामने देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी छुपे हुए बैठे हैं। आधे आधे तो छुपे हुए हैं और बाकी आधे से ज़्यादा सामने दिख रहे हैं। और यहाँ से जब हमने देखा तो इससे आगे भी घर थे, मुझे तो लगा आगे पूरा है ना जंगल होगा, लेकिन देखो इधर भी घर है। लेकिन भाखर को, मतलब कि पहाड़ को तो पूरा तोड़ ही डाला है। तो यहाँ से जहाँ आबादी बस रही है ना, वहाँ वहाँ पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और इस तरह कुछ तोड़े जा रहे हैं। और ये हमने यहाँ पर वीडियो बनाई जिसमें मैं धीरे 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 पहाड़ के पीछे से निकल रही हूँ, लेकिन लास्ट यहाँ आके मैं डिग गई। और ये ढलान ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन वीडियो में ऐसी दिख रही है जैसे बहुत ही बड़ी लंबी सी खाई है, और यहाँ से डिगने के बाद कुछ बचता नहीं है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी रिस्क वाली जगह पे मैं भी नहीं चढ़ने वाली, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, क्योंकि मेरे जिम्मे 2 बच्चे हैं, और उन बच्चों को पालना और उनको जिम्मेदार बनाने तक मुझे उनका ध्यान रखना है, तब तक मेरा ऐसी कोई घटना ना हो जैसी अभी हमने नेगेटिव सोची है। तो ये मैं ऐसे डिग डिगा। गाइस, हमने यहाँ पर घास उखाड़ा गाय के लिए, इनके घर पर गाय है, मेरे घर पर है नहीं, और हमने निदान किया। अब हम उधर जा रहे हैं। पता है ये झेरने वाला घास होता है जिस पे झेरने लगे होते हैं। झेरने बोलते क्या कहते हैं, जुगनी है ना, इसके ऊपर ये लगे होते हैं, बिल्लो ना करते उसके झेरना होता है, अंदर से झेरना लगा होता है। आप इसको क्या बोलते हो, ये घास, एक ही नए घास है जो हमारी दुनिया में नहीं होता, इनकी दुनिया में होता है। काचर की बेल है, काचर लगे हुए नहीं है, कब लगेंगे, फूल लगे हैं अभी तक, ये देखो फूल लगे सारे, रोइड़े हैं, रोइड़े हमारे यहाँ की, रोइड़े की जो लकड़ी होती है उसको सीसम से भी बड़बड़ कर मानते हैं। ये वाला पहले इस बाजरी के इस बेल में बताऊँ कैसे, इधर आ ला,
यहाँ मैं बकरियों के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी। बकरी के बड़े बड़े सींग थे, जो आगे खड़ा था वो देखो गेट पे, और पीछे छोटी छोटी बकरियाँ खड़ी थी, वो मेरे कपड़े खा रही थी। अब मैं आगे जाऊँ तो बकरा और गेट दूसरी तरफ था नहीं। मुझे डर लग रहा था कि वो बड़े बड़े सींग कहीं मेरे पेट में या मेरी पसलियाँ में घुसा दिए तो मैं गाड़ी कैसे जाऊँगी। फिर हमने यहाँ पर से ये ली, क्या बोलते हैं इसको, हम खुंगिया भी बोलते हैं, कुंबियाँ भी बोलते हैं, बाकी तो इसको मशरूम बोलते हैं। तो ये सब्जियाँ बना ही रहे थे और हमने उनसे छीन के ले ली कि नहीं आज तो हम सब्जी बनाएंगे। तो हम इधर अब ढाणी में जा रहे हैं, वहाँ पर बकरियाँ जा रही है, वो देखो बकरियाँ कहाँ जा रही है, घर पे जा रही है। इधर बहुत सारे बुरुट हैं, इसमें गए तो हम उलझ जाएंगे, हमारे कपड़े उलझ जाएंगे, इसलिए हम नहीं जा रहे। अब देखो भाई, इस गांव वाले झूले तो हमारे एक नसीब में नहीं थे, क्योंकि किसी ने झूला नहीं बांधा था, क्योंकि किसी ने जब पहले तीज कर ली, किसी ने जब बाद में तीज की ना, तो उन दोनों में से एक ही तीज को इन्होंने झूला बांधना तय किया। तो हम गए, उसने झूला नहीं था, इसलिए हम अपना मन मार के और खेत इंजॉय करके वापस आ रहे हैं। अब भाई दूसरे दिन हमसे नहीं जाया जाएगा झूले के लिए, इसलिए आप भी है ना ऐसे वेट मत करिए, उम्मीद मत करिए कि अभी भी तीज के झूले आएंगे और हम झूलने जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम तो दोबारा और सत्तू बनाएंगे, आएंगे, इंजॉय करेंगे। व्रत वैसे ही मैं रखती हूँ नहीं, लेकिन हाँ ये बच्चियाँ लड़कियाँ ये सब रखती हैं। मेहंदी मैंने ज़रूर लगवाई थी, वो भी उतर गई है। तो वीडियो लाइक करके गमोसान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।